गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो पाइथन सॉफ्ट के बारे में थोड़ा मैं बताता हूँ, फिर ये आज का जो सेशन है वो डेमो सेशन है, मैं बताऊंगा। आज हम कुछ डिस्कस करेंगे कि जो बेसिक्स टॉपिक्स है, लाइक पाइथन क्यों पढ़ेंगे, पाइथन पढ़ के आप क्या कर सकते हो, क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्यों ये इतना डिमांड है आजकल इंडस्ट्री में, व्हाई इट इज सो मच ऑफ डिमांड इन इंडस्ट्री फॉर पाइथन, ओके, और क्यों आजकल जो मिसकंसेप्शन, बहुत सारा स्टूडेंट का मिसकंसेप्शन है कि क्या हम पहले स्टार्टिंग से पाइथन पढ़ेंगे, अगर हमको कुछ पता नहीं है, ये पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो लेट अस फर्स्ट, मैं थोड़ा मेरा हमारा जो कंपनी है, लेट मी टेल यू अबाउट पाइथन सॉफ्ट। देखिए पाइथन सॉफ्ट इज ए सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग कंपनी, ओके, एंड वी मेनली प्रोवाइड वेरियस सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग्स इन लाइक पाइथन, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, ओके, ये सब हम ट्रेनिंग देते हैं, ओके, हम वी प्रोवाइड बोथ ट्रेनिंग एंड ऑल्सो इंटर्नशिप, इंटर्नशिप भी हम देते हैं। देखिए पहला चीज है कि मैं आपको लोगों के माइंड को क्लियर करूं, पाइथन पढ़ने के लिए कोई पास्ट प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि क्या हमें पहले से कोई चीज सीखना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड। पहले से था कि लोग बोलते हैं सी पढ़ेंगे, आजकल ऐसा नहीं है, आजकल आप पाइथन भी स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, वो छोटा मोटा पार्ट पढ़ते हैं, लेकिन आजकल पाइथन जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हो आज ए मतलब फास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये इजी है और पावरफुल है। तो हमारा जो सिलेबस है इसमें हम बेसिक्स से लेकर पूरा एडवांस तक जाएंगे, फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस्ड, ओके। जैसे हमने बोला हम लोग यहाँ पर वी आर प्रोवाइडिंग लाइक बोर्स कोर्स एंड ऑल्सो इंटर्नशिप हम देते हैं। कोर्स और इंटर्नशिप में यही डिफरेंस है कि नॉर्मल कोर्स में क्या होता है ना, कोर्स में सब लोगों को एक प्रोजेक्ट मिलता है, हमारे कोर्स जो है वो प्रोजेक्ट ओरिएंटेड है, बेसिक्स से पूरा एडवांस तक जाएंगे, फिर प्रोजेक्ट भी आप लोग करोगे, यू कैन मेंशन, बिकॉज सिर्फ पढ़ना सफिशिएंट नहीं होता है, पढ़ने के बाद आप लोग मेंशन कर सकते हो कि हाँ आपने क्या क्या प्रोजेक्ट किया है, बिना प्रोजेक्ट के कुछ फायदा नहीं है, याद रखो प्रोजेक्ट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आप ज्वाइन करोगे वो लोग तो पूछेंगे ना क्या प्रोजेक्ट किया था, तो कंपनी में तो काम करना पड़ेगा ना, यू आर यू विल बी इन्वॉल्व इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इन ए कंपनी, ओके। सो इसलिए हम कोर्स के एट द एंड एवरीवन विल डू ए प्रोजेक्ट और हम उसको फुल्ली गाइड करेंगे, ठीक है। इंटर्नशिप क्या होता है, इंटर्नशिप में उस प्रोजेक्ट के साथ साथ और एक एडिशनल प्रोजेक्ट भी आप लोग करोगे, ठीक है, एडिशनल प्रोजेक्ट उसको हम गाइड करेंगे पूरा, और आप उसका रिपोर्ट बनाओगे, फिर ये जो दो प्रोजेक्ट होगा टोटल, इंटर्नशिप में टोटल दो प्रोजेक्ट है, कोर्स में एक ही प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो आप उसको अपने रिज्यूम में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। देन हर एक क्लास का रिकॉर्डिंग आपको भेज दिया जाएगा ईमेल में, ठीक है, अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हो तो, ठीक है। देन हमारा जो पॉलिसी है कि आप इट इज लाइक पे वंस एंड लर्न लाइफ लॉन्ग, आपको कोई भी कोर्स के लिए एक ही बार पेमेंट करना पड़ता है और लाइफ सर आप जितना बार चाहो पढ़ सकते हो, ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेट्स एक बार पढ़ लिया, फिर लेट्स कुछ ब्रेक हो गया, लेट्स कुछ प्रॉब्लम हुआ कर नहीं पाए, फिर नेक्स्ट क्लास कर सकते हो, जब चाह कर सकते हो, जितना बार चाहे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन सर्टिफिकेट आप लोग सबको मिलेगा, जो कोर्स करेगा उसको कोर्स का मिलेगा, जो इंटर्नशिप करेगा उसको इंटर्नशिप का मिलेगा। देन हम लोग कैंपस के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, हम लोग कैंपस प्रिपेयरेशन भी करवाते हैं, ठीक है, कैंपस में किस तरह का क्वेश्चन आएगा, क्या नहीं आएगा, हर चीज हम प्रिपेयर कराते हैं, और प्रोजेक्ट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। फिर हमारा जो पैकेज है, कॉम्बो पैकेज भी अवेलेबल है, पाइथन विथ मशीन लर्निंग एंड पाइथन विथ डाटा साइंस, ओके, क्योंकि पाइथन के बाद डाटा साइंस और मशीन लर्निंग ये अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, लेकिन मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनमें जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। तो ये तो कुछ बेसिक था हमारे कंपनी के बारे में, ठीक है। सो माई नेम इज रंजन दास और मैं ही पढ़ाता हूँ ये सब। तो ये आपने देखा, तो आते हैं अभी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट में। तो आप लोगों को जानना पड़ेगा कि पाइथन इतना पॉपुलर क्यों है, क्या वजह है, क्यों इसको ये सब टॉप लेवल एमएनसीज यूज करते हैं,
नॉट ओनली दिस टॉप लेवल एजेंसीज, आजकल जो भी लाइक बहुत सारे मतलब मोस्ट ऑफ द कंपनीज हर जगह पर ये कॉन्सेप्ट पाइथन यूज करते हैं। ठीक है, पाइथन आजकल एक डिमांडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया है। ओके तो देखिए, गूगल यूज करता है, यूट्यूब यूज करता है, इंस्टाग्राम, ड्रॉपबॉक्स, मोजिला, ये सब तो नासा, फेसबुक, यूट्यूब सब लोग यूज करते हैं। कुछ तो मतलब एक लैंग्वेज पॉपुलर कब होगा? अगर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होगा कहां पर? सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। अगर इंडस्ट्री उस लैंग्वेज को यूज करके सॉफ्टवेयर बनाएगा तो ये पॉपुलर होगा। तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम क्या है? वो कंपनी ज्वाइन करके करेगा क्या? वो सॉफ्टवेयर बनाएगा। सॉफ्टवेयर कैसे बनाएगा? प्रोग्राम लिख के। कैसे प्रोग्राम लिखेगा? लैंग्वेज, जैसे प्रोग्राम की लैंग्वेज है पाइथन, जावा, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज है। ठीक है, तो पाइथन पढ़ के आप क्या कर सकते हो? ना सॉफ्टवेयर बना सकते हो। ठीक है, और आपका जीवन नासा, आप जानते हो जो मतलब वर्ल्ड का जो स्पेस रिसर्च सेंटर है वो भी क्या यूज करता है? ना पाइथन यूज करता है उसके कोडिंग के लिए। गेम भी बना सकते। अगर एक लाइन में बोलेंगे, पाइथन एक ऐसा पावरफुल लैंग्वेज है, अगर आपने पाइथन पढ़ा तो दुनिया का किसी भी तरह का एप्लीकेशन आप बना सकते हो। कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हो, कोई भी एप्लीकेशन, किसी भी तरह का प्रोजेक्ट बना सकते हो सॉफ्टवेयर। वो चाहे एक गेम हो या वो चाहे एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन हो। सपोज आप बनाना चाहते हो एक VLC प्लेयर, बना सकते हो। आप बनाना चाहते हो कि वेबसाइट भी बना सकते हो। आप एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, बना सकते हो। गेम बनाना चाहते हो, बना सकते हो। किसी भी तरह का एप्लीकेशन आप बना सकते हो। ये इतना पावरफुल है पाइथन, इज सच ए पावरफुल लैंग्वेज। तो एक लैंग्वेज पढ़ लिया तो आप किसी भी तरह का एप्लीकेशन बना सकते हो। तो क्यों बाकी पढ़ोगे बाकी लैंग्वेज? ठीक है, हाँ, हालांकि हर एक लैंग्वेज का स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, लेकिन अगर आप एक लैंग्वेज पढ़ रहे हो और इसी में आप ज्यादा आप फोकस कर रहे हो तो इट्स एनफ। ओके, और इसका भी जो कैंपस प्लेसमेंट होता है आजकल, आप कोई लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। तो पाइथन को कर सकते हो सिलेक्ट, जो भी प्रॉब्लम आएगा पाइथन में करोगे। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह का क्वेश्चन कैंपस में आता है। ओके, देखिए, तो मैंने बताया कि आप लोग किसी भी तरह का एप्लीकेशन, किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर पाइथन में बना सकते हो, ये इसका स्ट्रेंथ है। ठीक है, आप लोग सब, मैं एक साइबर सिक्योरिटी बेस्ड साइबर एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ, बना सकते हो। इमेज प्रोसेसिंग, क्रिप्टोग्राफी, कोई एरिया हो, नेटवर्किंग, आपके माइंड में जो एरिया आ रहा है, जो एरिया नहीं आ रहा है, वो भी बना सकते हो। तो ये पाइथन एक सिर्फ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये किसी भी ब्रांच हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, कोई भी ब्रांच हो, हर एक ब्रांच का स्टूडेंट के लिए नेसेसरी है। वो अपना अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। लेकिन आजकल जो मेनली जो पाइथन का पॉपुलैरिटी बढ़ा है वो क्या है ना, ये जो एरिया लिखा है, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमेज प्रोसेसिंग, ये जो एरिया है इसके लिए पाइथन का पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गया है। डाटा साइंस के लिए हम बाकी कोई लैंग्वेज को सिलेक्ट नहीं करते हैं, पाइथन। ठीक है, क्योंकि आजकल मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आजकल जो बिजनेस चल रहा है इंडस्ट्री, वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, जो भी हो, सब लोग क्या करते हैं, द मेन एम इज टू मैनेज डाटा। डाटा को कैसे मैनेज करना है, डाटा साइंस, और जो इसका एक्सपर्ट होगा उसे बोलेंगे डाटा साइंटिस्ट। क्या बोलेंगे? डाटा साइंटिस्ट। तो डाटा साइंटिस्ट एक कौन है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप लोग यूट्यूब यूज करते हो, क्या यूट्यूब में आप जब ओपन करते हो जिस तरह का वीडियो सिक्वेंस है, क्या मैं ओपन करूंगा उस तरह का वीडियो सिक्वेंस होगा? नहीं। तो यूट्यूब को कैसे मालूम है कि कौन सा यूजर को किस तरह का वीडियो पसंद है? आप बोलोगे सर यूजर जिस तरह का डाटा सर्च करता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन इतना 200 करोड़ लोग यूट्यूब में है, इतना लोगों का डाटा कलेक्ट करना फिर उनको रखना, क्या आसान बात है? इज इट ए स्मॉल थिंग? नो। सब लोग को क्या पसंद है क्या नहीं है इसको रख के, फिर जब एक नया वीडियो आएगा उस यूजर को पसंद होगा कि नहीं होगा, उसको यूट्यूब रिकमेंड करेगा, तो ये सारा काम होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या चाहिए, जो इतना लोग डेली डाटा सर्च करते हैं उनको लेके, उनको रखना, उनसे उसको कहाँ पर रखना, उसको कैसे प्रोसेसिंग करना। सपोज मेरा एक ओडिशा का कंपनी है,
एक धूपकाठी कंपनी है। मैंने यूट्यूब को बोला, यूट्यूब थोड़ा मेरा प्रोडक्ट जो है धूपकाठी थोड़ा लोगों को दिखा दो ताकि मेरा थोड़ा सेल बढ़ जाए और मैं तुम्हें पैसा दूंगा। तो यूट्यूब बोला ठीक है, दे दो आपका धूपकाठी। तो यूट्यूब ने क्या किया, मेरा जो आर्ट था दिखाएगा, किनको दिखाएगा, क्या फ्रांस में दिखाएगा, जापान में दिखाएगा, नहीं, क्योंकि मेरा जो धूपकाठी का प्रोडक्ट है ओडिशा का एक लोकल प्रोडक्ट है, तो वो कहाँ दिखाएगा, कौन से लोगों में दिखाएगा, ना वहां पर दिखाएगा जहां पर दिखाने से उस आदमी का सेल बढ़ेगा। तो कौन को दिखाएगा, तो ओडिशा के अंदर दिखाना चाहिए या इंडिया के अंदर मैक्सिमम। तो धूपकाठी को कौन लोग लाइक कर सकते हैं, तो मैक्सिमम वो लोग लाइक करेंगे, लेट्स से यूट्यूब क्या कि जो लोग सब लाइक ये देखते हैं स्पिरिचुअल चीज देखते हैं, स्पिरिचुअल भजन देखते हैं, स्पिरिचुअल चीज यूट्यूब में देखते हैं, अगर उनको हम रेकमेंड करेंगे ये वाला तो अच्छा होगा, तो ये हमारे लिए अच्छा होगा और वो लोग देखेंगे, मतलब वो लोग हो सकता है इस धूपकाठी को खरीदेगी, ठीक है। तो ऐसे होने से वो जो कंपनी धूपकाठी कंपनी था उसका भी सेल बढ़ा और यूट्यूब का भी इनकम बढ़ा। तो ऐसे धूपकाठी कंपनी अकेला नहीं था, ऐसे मिलियंस ऑफ कंपनी आर अप्रोचिंग यूट्यूब, तो यूट्यूब उनका डाटा को कलेक्ट करके भेजता है। तो ये होता सब कैसे है, ये सब कोडिंग कैसे किया आता है, ये सब कोडिंग पाइथन में होता है, जो कॉन्सेप्ट है ये डाटा साइंस का कॉन्सेप्ट है। तो मतलब लेट्स से मैं एक एग्जांपल दूंगा, आप इस बार एक प्रोजेक्ट करोगे कि हार्ट डिजीज प्रेडिक्शन, एक आदमी को हार्ट डिजीज होगा कि नहीं होगा, एक आप बनोगे प्रोजेक्ट आईपीएल प्रेडिक्शन, वेदर फॉरकास्टिंग, कल वेदर कैसा रहेगा, 3 महीने बाद कोरोना का स्थिति क्या होगा, ये भी एक प्रोजेक्ट है, आजकल चल रहा है, रिसर्च हो रहा है इस पर, कौन सा ब्लड ग्रुप का लोगों को ज्यादा कोरोना होता है, कोरोना किस पार्ट को ज्यादा अफेक्ट करता है, इसे प्रोजेक्ट से, कल बारिश कितना होगा, कल डॉलर का वैल्यू कितना रहेगा, एक आदमी हेलमेट पहना है कि नहीं पहना है ट्रैफिक चक्रों में, एक आदमी मास्क पहना है कि नहीं पहना है, इसे प्रेडिक्शन है, ये सारा काम अंडर आता है इस डाटा साइंस के एरिया में, ठीक है। तो आजकल इसीलिए ये इतना पॉपुलर है पाइथन में, ये सारा प्रोजेक्ट जो है आप पाइथन में कर सकते हैं, ठीक है। और जो मशीन लर्निंग है आजकल आप देख रहे हो, जो मशीन अभी अगर हम 20 साल पीछे जाएंगे, 20 ईयर्स बैक जाओ, उस टाइम में लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं था, उस टाइम में लोग जाते थे साइबर कैफ, इंटरनेट कैफ जाते थे नेट एक्सेस करने के लिए, आजकल इंटरनेट कैफ बिजनेस डूब गया, क्योंकि अभी सबके पॉकेट में इंटरनेट है, इधर नो, तो उस टाइम में एक लोग सेमिनार देते थे पॉकेट इंटरनेट, आजकल तो सबके पॉकेट में इंटरनेट है, इधर नो। तो टेक्नोलॉजी चेंज होता है, पुराना बिजनेस गॉन, नया बिजनेस कम ऑन। जब कंप्यूटर आया था इंडिया में, लोगों ने स्ट्राइक किया, बोला कि अरे कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर आ गया, अब जॉब चला जाएगा, क्या जॉब चला गया, या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इज राइट नाउ द मोस्ट जॉब प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री, समझो इंडिया का सॉफ्टवेयर, बहुत सोचो कि कितना जॉब्स देता है पर ईयर, वर्ल्ड में इसका नाम है। तो टेक्नोलॉजी चेंजेस से जॉब जाता नहीं है, घटता नहीं है, जॉब बढ़ता है। तो अगले 10 साल के बाद किस तरह का लाइफ होगा हमारा, आजकल देखो सब लोग मोबाइल पकड़ के बैठते हैं, 20 साल बाद ऐसा नहीं था, वो लैंडलाइन था, तो उस टाइम में लाइफ डिफरेंट था, आजकल हमारा लाइफ वर्चुअल हो गया है, वे वर्चुअली कनेक्टेड, अभी जो क्लास कर रहे हैं वो क्या है, वर्चुअल है, और हमें लग रहा है कि हम रियल हैं, आप लोग सब स्टूडेंट बैठे हो अपने अपने घर में, मैं यहाँ बैठा हूँ, वे आर कम्युनिकेटिव, इसे वर्चुअल, ओके। तो ये टेक्नोलॉजी है, तो मेरे कहने का मतलब अगले 10 साल के बाद किस तरह का लाइफ हमारा होगा, तो उसके लिए तो प्रिपेयर होना पड़ेगा ना। तो अगले 10 साल के बाद जो एरिया होगा वो होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये जो डाटा साइंस मशीन लर्निंग इस तरह का एरिया होगा, मतलब आपका घर पूरा स्मार्ट होगा, आप अपने फैन से बात कर पाओगे, बोलोगे फैन थोड़ा स्लो हो जाओ, वो बोलेगा क्यों, सर्दी लग रहा है क्या, हाँ सर्दी लग रहा है थोड़ा, अच्छा ठीक है, बात कर रहे हो क्या, फैन ने कि मशीन ने, वो इंसान है क्या, उसको सिखाया गया है, वो मशीन लर्निंग है,
सो दैट इट बिकम्स इंटेलिजेंट, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। मैं इनको क्यों बोल रहा हूँ कि इस एरिया में ही पाइथन यूज होता है ज्यादातर। देन तो मशीन को सिखाएंगे, आपका कार, आप कार बुक करोगे, आगे 10 साल के बाद आप कार खरीदोगे, लेकिन आपको ड्राइवर नहीं चाहिए, वो कार पूरा ड्राइवर लेस होगा। वो कार अपने आप डिसीजन ले पाएगा, कैसे जाना है, क्या करना है, कैसे जाना है, कैसे आप कहां पर कैसे मुड़ना है, आपको सिर्फ बताना है, अरे एक काम करो चलो आचार्य जी घर चलो, तो बोले के छोड़ देगा। मतलब कार के साथ बात करते हो, वो दोस्त की तरह बात करेगा, कार बोलेगा अच्छा, बोलो समझ रहे हो, जैसे आप बैठ के गाड़ी में दोस्त के साथ बात करते हो, जैसे कार के साथ बात करोगे। घर में आप आजकल जो लोग रखते हैं, नौकर रखते हैं, नौकर नहीं रखेंगे, रोबोट रखेंगे, वो सब काम करेगा, रसोई करेगा, खाना बनाएगा, सिक्योरिटी का काम करेगा, सारा काम करेगा, सैलरी नहीं लेगा, 24 घंटे काम करेगा। तो उस तरह का लाइफ हम आगे जीने वाले हैं। मैं आज बोल रहा हूं, आप लोग देखना, ठीक है? तो उस टाइम में हम इस तरह का लाइफ मेंटेन करेंगे। तो इस तरह का लाइफ में आने के लिए तो हमें अभी से रेडी होना पड़ेगा। तो ये जो एरिया है डाटा साइंस बेसिक लर्निंग, इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज आर देयर। और ये जो एरिया है अभी आगे का एरिया ये, एक सेकेंड, हाँ हेलो, हाँ ज्वाइन कीजिए, वही सुने दे रहा नंदा देवरंगन, ओके फाइन, थैंक यू, प्रियर सिंह सुने दे रहा है, ओके थैंक यू, थैंक्स फॉर। देखिए जहां पर जो क्वेश्चन आएगा प्लीज पूछना मुझे, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ओके थैंक यू ऑल। देखिए तो ये तो था, ये जो एरिया है मैंने बताया। तो एक आजकल ट्रैफिक चौक में कैमरा बैठता है, एक आदमी हेलमेट पहना है कि नहीं पहना है वो डिटेक्ट करता है, वो कैमरा क्या है, वो इंसान है क्या? तो उसको एक इंसान के जैसा ट्रेनिंग दिया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, तो उसको एक इंसान के जैसा सिखाया जा रहा है। तो एक मशीन को कैसे सिखाएंगे भाई? तो आप हो आपको कॉलेज में सार पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, लेकिन एक मशीन को कैसे सिखाएंगे? तो आजकल का जमाना है मशीन को सिखाना। सोफिया का नाम सुना है, वर्ल्ड का पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट, आप उसे ओडिया जिस लैंग्वेज में बात करना चाहते बात कर सकते हो। तो वो कैसे सिखाएंगे? वो सिखाने का तरीका जो होता है यही सब पढ़ाई होता है। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, एक रोबोट नेचुरली इंटेलिजेंट नहीं होता है, उसको हमने इंटेलिजेंट बनाया है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, हम लोग नेचुरली इंटेलिजेंट है। तो आगे का अभी 15-10 साल के बाद हम लोग पूरा लाइफ हमारा एआई हो जाएगा। क्या जॉब घट जाएगा? नहीं, बढ़ेगा। उस इस तरह का कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए जो चाहिए, आजकल सोल्जर लड़ रहे हैं, आगे लग रोबोट लड़ेंगे, इंडिया का रोबोट, चाइना का रोबोट, समझ रहे हो? तो इसीलिए तो टेक्नोलॉजी के साथ हमें अपडेट रहना पड़ेगा। और इस तरह का एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको पाइथन चाहिए, और मैं प्रूव भी कर सकता हूं क्यों बाकी लैंग्वेज से क्यों पाइथन बेहतर है, क्यों आपको एक लैंग्वेज सीखने से सारा चीज हो जाएगा। देखिए सी प्रोग्राम जो है ये आप देख रहे हो, ये एक सी लैंग्वेज था। देयर आर डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे हिंदी, ओडिया, तेलुगु, तमिल है कि नहीं? मैं अगर आपको बोलूंगा एक काम कीजिए, एक लिखिए, एक पोएम लिखिए इंग्लिश में, लिख सकते हैं, या एक लिखते यू राइट ए नोट्स ऑन योर फर्स्ट डे एट स्कूल के बारे में लिखिए, कोई उड़िया में लिखेगा, कोई तेलुगु में लिखेगा, कोई तमिल में लिख सकते हैं, जो जो लैंग्वेज जो जानता है वो उस लैंग्वेज में लिखेगा, इसम नो। लेकिन उसी तरह से एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए देयर आर डिफरेंट लैंग्वेजेस आर देयर, उसे बोलते हैं प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ऐसे बहुत सारा लैंग्वेज है। लेकिन सबसे सिंपल कौन है, आसान कौन है, पावरफुल कौन है, दुनिया में ज्यादा कौन यूज होता है,
उसको सीखना चाहिए। हम लोग इंग्लिश क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि अगर आप अमेरिका जाओगे ओडिया में बात करोगे कोई समझेगा नहीं, तो इंग्लिश इज मोर पॉपुलर देन ओडिया, ये हमें मानना पड़ेगा। और हिंदी ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो उसी तरह से पाइथन एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी में अगर प्रोग्राम लिखोगे, ये एक सी प्रोग्राम है, इसका आउटपुट आएगा हेलो, इतना लिखना पड़ेगा, बहुत सारा लिखना पड़ता है, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स है। ये एक सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है, इसका भी आउटपुट आएगा हेलो, इसके भी आउटपुट क्या आएगा ना, इसके भी आउटपुट आएगा हेलो, इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ये देखो एक जाभा का प्रोग्राम है, जाभा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये पाइथन है, देख रहे हो आप लोग कितना आसान है, कितना आसानी से आप लिख सकते हो, प्रिंट हेलो दैट्स ऑल। जैसे इंग्लिश लिखते हो वैसा ही लिखना है, ठीक है। ये एक छोटा सा कंपैरिजन है, जो आजकल जो पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी सी प्लस प्लस जावा पाइथन, ये था आज तो सबसे पॉपुलर पाइथन ही है, तो ये कंपैरिजन था। सी डेवलप्ड बाय डेनिस रिचे, सी प्लस बाय शाउस्ट्रुप, जावा डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिंग, पाइथन डेवलप्ड बाय ग्यूडो वैन डुसुम। सी डेवलप हुआ था 1972 में, सी प्लस प्लस 80 में, जावा और पाइथन एक टाइम में डेवलप हुआ था। सी का नाम सी क्यों दिया गया था, जो सी बनाए थे डेनिस रिचे, उन्होंने क्या किया था, पहले से दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था बी और बीसीपीएल, उन दोनों लैंग्वेज को उन्होंने कंबाइन किया, उनका अच्छा अच्छा फीचर निकाला, बना दिया सी, इसलिए बी के बाद है इसलिए इसका नाम सी है। सी प्लस प्लस पे क्या है ना, सी का बड़ा वही है, सी लैंग्वेज में एक नया कॉन्सेप्ट ऐड किया गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो बन गया सी प्लस प्लस। जाभा का नाम जाभा क्यों दिया गया है ना, जब वो प्रोग्रामिंग का नाम दे रहे थे तो वो लोग कॉपी पी रहे थे, उस कॉपी सीड का नाम था जाभा, और जावा आइलैंड से आ रहा था, उसी हिसाब से जावा दे दिया गया। इसका नाम पाइथन क्यों दिया गया है, देखिए पाइथन कोई स्नेक नहीं है, जैसे आपका आता है कपिल शर्मा का शो आता है कॉमेडी नाइट विद कपिल, या तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उस इसी तरह से एक शो आता था मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, एक शो आ रहा था बीबीसी चैनल में, उस शो में हर एक कैरेक्टर को बोला जाता था पाइथन, और जो ग्यूडो वैन डुसुम है उन वो क्या करते थे, इस शो को देख बहुत बहुत पसंद था, तो उसी कैरेक्टर के नाम के हिसाब से उन्होंने इस लैंग्वेज का नाम दे दिया पाइथन, ठीक है। तो सी सी प्लस सी सपोर्ट्स प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इस हम रेगुलर क्लास में बताएंगे ये सब क्या होता है। सी प्लस प्लस सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जावा सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, बट पाइथन सपोर्ट्स बोथ। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ओओपी पीओपी, एक सॉफ्टवेयर बनाने का एक कॉन्सेप्ट है, प्रोसेस है, ठीक है। किस तरह बनाएंगे हम, अप्रोच क्या होगा, पाइथन पढ़ोगे तो दोनों अप्रोच आप सीख पाओगे। सी एक कंपाइलर है, क्योंकि सी का हम जो प्रोग्राम लिखेंगे इंग्लिश में लिखते हैं वो कंप्यूटर समझता नहीं है, उसको 0-1 में कन्वर्ट करना पड़ता है। सी सी प्लस प्लस में हम कंपाइलर यूज करते हैं हमारा प्रोग्राम को 0-1 में कन्वर्ट करने के लिए। जावा और पाइथन में दोनों यूज होता है, कंपाइलर होता है फिर इंटरप्रिटर भी हम यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं डिस्कस करते हैं। पाइथन क्या है, सी क्या है ना, स्टैटिक टाइपिंग सी प्लस प्लस जावा। स्टैटिक टाइपिंग मतलब है कि जिस लैंग्वेज में अगर आप वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हो, अगर आप कोई अगर आपको किसी लैंग्वेज का आइडिया है इट्स ओके, नहीं है नो प्रॉब्लम। पीओपी का मतलब होता है ना प्रोसीड्योर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। देखिए आपने अगर क्वेश्चन पूछा है तो मैं इसको बताता हूँ। देखिए प्रोसीड्योर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि आपको एक बैंक का सॉफ्टवेयर बनाना है, किसका, बैंक का, आपको एक बैंक का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आपका टीम जाएगा बैंक में, बैंक तो उनका काम क्या होगा ना, वो लोग देखेंगे कि बैंक में क्या क्या हो रहा है, बैंक में क्या हो रहा है, अकाउंट ओपन हो रहा है, ओपन कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, नहीं विड्रॉ कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो, इस तरह का अकाउंट क्लोज कर सकते हो, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये सब फंक्शन से प्रोसीड्योर से, मतलब एक प्रॉब्लम का हम छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये आप होता है प्रोसीड्योर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता है। अगर वही बैंक का सॉफ्टवेयर बनाना है और आपका अप्रोच है ओओपी, देन हम बैंक जाएंगे और बैंक में नहीं ढूंढेंगे कि बैंक में क्या क्या हो रहा है,
हम बैंक में जाओ, जो जो आदमी जो भी कर रहा है, क्लर्क क्या करता है, मैनेजर क्या करता है, सारा चीज लिख के लाएंगे। फिर हम उसे फाइंड करते हैं क्या क्या ऑब्जेक्ट से, कौन कौन प्रॉपर नाउन से। बोले रबी इज ए एम्प्लॉई, तो रबी इज ए प्रॉपर नाउन, तो वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसे फिर हम क्या करते हैं, उसको स्टडी करके एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। जैसे एक बिल्डिंग को बनाने से पहले एक ब्लूप्रिंट बनता है, उस तरह से उस सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले एक ब्लूप्रिंट बनता है। कितना ऑब्जेक्ट रहेगा, कितना क्लास रहेगा, वो एक टॉपिक है। फिर जाकर हम प्रोग्राम लिख सकते हैं, ये एक अप्रोच है। तो सी में करोगे तो फास्ट अप्रोच, जावा में करोगे सेकेंड अप्रोच, सी प्लस प्लस सेकेंड अप्रोच, पाइथन में दोनों अप्रोच यूज कर सकते, तो ये मोर फ्लेक्सिबल है। तो हम पाइथन में पीओपी ओपी दोनों डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो मैंने बोला आपको, क्या बोला कि जो स्टैटिक टाइपिंग नॉर्मली क्या होता है, देखिए ये फाइव क्या है, एक इंटीजर है। 5.3 क्या है, इसे फ्लोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोट। हेलो ये क्या है, इसे बोलते हैं क्या ना, स्ट्रिंग बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। अगर सी लैंग्वेज में मुझे एक इंटीजर रखना है, मेरे को इंट ए इक्वल टू 5 ऐसे लिखना पड़ेगा। सी, सी प्लस प्लस और जावा में इस तरह लिखना पड़ता है, फ्लोट बी इक्वल टू 2.5। इसका मतलब बी का वैल्यू 2.5 है, ठीक है, फ्लोट है। पहले बताना पड़ेगा आपको कि आप किस तरह का वैल्यू रखना चाहते हो, इंटीजर या फ्लोट, क्या रखना चाहते हो, ठीक है। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन लिखो ए इक्वल टू 10, ये हो गया, ए कितना है ना 10 है। मिलेगा बी इक्वल टू 2.5, ये क्या है, हो गया। तो ए जो है 10 है, ए का टाइप क्या है, ये किस तरह का है, क्या है, इंटीजर है। बी किस तरह का है, बी फ्लोट है, आप लोग देख पा रहे हैं, नहीं बी क्या है ना, फ्लोट है। तो ऑटोमेटिकली मिलेगा, लेट से सी इक्वल टू हेलो, हेलो क्या है, स्ट्रिंग है, लिखा टाइप ऑफ सी, क्या है, तो टाइप ऑफ क्या लिखेंगे ना, सी। टाइप बताएगा ये किस तरह का है, यस स्ट्रिंग। तो ऑटोमेटिकल हो रहा है, मतलब ऐसा चेयर है। सी को ऐसे सोचो कि लिखा गया है यहां पर शाहरुख खान बैठेगा, यहां पर आमिर खान बैठेगा, सारा चेयर फिक्स है, नहीं यहां पर प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे। लेकिन पाइथन में क्या है, तो पहले से बताया पाइथन में क्या है, मैं गया चेयर पड़ा है, बैठ गया, वो चेयर लिखेगा मेरा नाम, ऑटोमेटिकली मेरा नाम लिख लेगा। तो आप आओगे वहां बैठ जाओगे तो आपका नाम लिख लेगा, समझ रहे हो, ये होता है डायनामिक। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, ये जो है पाइथन इज हाई लेवल लैंग्वेज, सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल का मतलब होता है जिसको हम इंग्लिश में लिखते हैं, बट पाइथन इज ए वेरी हाई लेवल लैंग्वेज। देखिए वेरी हाई लेवल का मतलब है कि आप जो प्रोग्राम लिखोगे उसका जो सिंटैक्स वो दिखने में इंग्लिश की तरह है। मैं लिखा एच इन हेलो, आपको लग रहा होगा कि सर की इंग्लिश लैंग्वेज है, ये एक पाइथन का इंस्ट्रक्शन है, क्या आया ट्रू, समझ रहे हो, मतलब पाइथन का जो प्रोग्राम है वो आपको लगेगा कि आप इंग्लिश लिख रहे हो, इसलिए इसे बोला जाता है वेरी हाई लेवल। देन पाइथन जो है वो पाइथन और जावा जो है दुनिया का कोई भी कंप्यूटर में चलेगा, कोई भी कंप्यूटर में, दुनिया का चाहे कोई भी कंप्यूटर हो, लिनक्स हो, विंडोज हो, मैक हो, सब में चलेगा पाइथन जावा। लेकिन सी, सी प्लस प्लस नहीं चलेगा। सी, सी प्लस प्लस जो कोड लिखा है आपने उसको लेकर अगर दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाओगे नहीं चलेगा। आपने एक सी प्रोग्राम लिखा उसको 0-1 में कन्वर्ट किया, लेकर और एक कंप्यूटर में चलाओगे नहीं चलेगा, अगर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। पाइथन में ऐसा नहीं होता है, जावा में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, इसी बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसका कॉन्सेप्ट है, आएंगे हम बताएंगे रेगुलर क्लास में बाइट कोड का कॉन्सेप्ट। तो अब आते हैं, तो ये एक डेमो क्लास है तो बहुत सारा चीज बताना पड़ता है, इसलिए थोड़ा क्लियर है। पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे कहां पर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम क्या है, कोड लिखेगा कहां पर लिखेगा, आपको एक नोट बनाना है। आप एमएस वर्ड में लिख सकते हो, तो मुझे एक पाइथन सॉफ्टवेयर बनाना है, मैं कहां लिखूंगा कोड। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक बढ़िया सा टूल है, उसका नाम है एनाकोंडा।
पाइथन या एनाकोंडा क्या है? देखिए एनाकोंडा एक सॉफ्टवेयर है, टूल है, जहां पर हम पाइथन का कोड को लिख सकते हैं। तो पहले आप लोगों को एनाकोंडा इंस्टॉल करना पड़ेगा। रेगुलर क्लास में मैं आपको इंस्टॉलेशन सिखा दूंगा पूरा, ठीक है? लेकिन अभी के लिए जस्ट बेसिक बता दे रहा हूँ कैसे इंस्टॉल करते हैं। देखिए आप कैसे इंस्टॉल करोगे ना, आप गूगल जाओगे, आप ओपन करोगे गूगल, तो गूगल ओपन करो, देखो एक बार। मैंने गूगल ओपन किया है, देख पा रहे हो आप लोग? हाँ पाइचर में यूज कर सकते हो, नहीं बेटर नहीं, ये डिपेंड करता है किस तरह का एप्लीकेशन के लिए। पाइचर नॉर्मली मैं यूज करता हूँ वेब बेस्ड प्रोग्राम के लिए, ओके, वेब डेवलपमेंट के लिए। आप नहीं बोल बता सकते, आप बोलोगे सर मैं बोलूंगा अच्छा बताओ स्कूटी बेटर है कि, स्कूटी बेटर है कि हेलीकॉप्टर बेटर है, स्कूटी बेटर है कि हेलीकॉप्टर बेटर है, समझ रहे हो? वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। आप अपने घर से स्कूल जाओगे हेलीकॉप्टर जाओगे? हाँ भी स्कूल भी अच्छा है, लेकिन नहीं जाओगे ना आप अभी यहां से अमेरिका जाओगे स्कूटी पे जाओगे? नहीं। तो कौन सा सिचुएशन में स्कूटी बेटर है, कौन सा सिचुएशन में फ्लाइट बेटर है? ऑल आर ट्रांसपोर्ट डिवाइसेस। तो कौन सा सिचुएशन के लिए आप यूज करते हो किस तरह का टूल? तो मुझे ये जो एनाकोंडा है बहुत बढ़िया टूल है, क्यों है आपको दिखाऊंगा। तो आपने गूगल गया, गूगल में ओपन किया, क्या लिखा? डाउनलोड एनाकोंडा। एनाकोंडा इंस्टॉल करने से पाइथन ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होता है। तो यहां पर लिखा है इंडिविजुअल एडिशन, इसे क्लिक करो। हाँ मैं तो बताया ना भूदेव, डायनेमिक टाइपिंग का मतलब होता है जहां पर डाटा टाइप नहीं चाहिए, आपको नहीं लिखना पड़ेगा इंट ए फ्लोट बी, पहले से बताना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, जिस तरह का वैल्यू दोगे ऑटोमेटिकली उसका डाटा टाइप चेंज हो जाएगा। ये होता है डायनेमिक टाइपिंग, ठीक है? आपने ए इक्वल 10 लिखा तो ऑटोमेटिकली ए हो गया इंटीजर, आप लिखोगे ए इक्वल 2.5 वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा फ्लोट, आप लिखोगे ए इक्वल टू हेलो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा स्ट्रिंग, ठीक है? ये होता है डायनेमिक। बहुत रिपीट देखा है, वो जिस एनवायरमेंट में जाएगा उसका कॉलर चेंज हो जाएगा, ये डायनेमिक है। तो यहाँ नीचे आ जाओ, यहाँ लिखा है देखो, देख पा रहे हो? तो यहाँ पर आप इंस्टॉल कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट वर्सन आर देयर, विंडोज के लिए है, मैक के लिए, लाइनेक्स के लिए है। तो जब आप इसको इंस्टॉल करोगे 64 बिट ग्राफिकल इंस्टॉलर ये पाइथन 3.9 को इंस्टॉल कर लेगा। अगर 32 बिट है तो आप इसको कर सकते हो, 32 बिट ग्राफिकल इंस्टॉलर। अगर मैक है तो मैक के लिए है, लाइनेक्स है लाइनेक्स के लिए है। तो आपके कम ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है? तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द सिस्टम आर विंडोज बेस्ड राइट नाउ। तो आप देखो आपका 64 बिट है कि 32 बिट है, कर लो, सिंपली डाउनलोड करना है, आंख बंद करके डबल क्लिक डबल क्लिक डबल क्लिक कर लेना, हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है? कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना। इंस्टॉल होने के बाद अब क्या करोगे ना, कैसे कहां पर काम करेंगे? बहुत सारा जगह है, एक जुपिटर नोटबुक है, स्पाइडर है, पाइचार्म है, वीएस कोड है, एमएकस है, बहुत सारा एडिटर है जहां पर आप प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो जुपिटर नोटबुक। तो हम आएंगे, एनाकोंडा इंस्टॉल हो गया है, आप स्टार्ट बटन क्लिक करोगे, करके यहाँ पर टाइप करना जुपिटर, क्या लिखना है? JUPY, देखो आ गया जुपिटर नोटबुक, देख पा रहे हो? जुपिटर नोटबुक, इसे क्लिक कर लो। तो क्लिक करने से क्या होगा, इमिडिएटली क्लिक करने से इस तरह का विंडो आ जाएगा, इस तरह का, देख पा रहे हो? ये जुपिटर नोटबुक है, ये जुपिटर नोटबुक है। तो इस तरह का विंडो आ गया, अब क्या करोगे, कहाँ लिखना है? यहां पे देखो लिखा है न्यू, न्यू को क्लिक करो, क्या लिखा है? Python 3। तो पाइथन से क्लिक करो, पाइथन से क्लिक करने से ये विंडो आ जाएगा, ये वाला देख रहे हो? तो यही है आपका जुपिटर नोटबुक, इसी को बोलते हैं जुपिटर नोटबुक। तो आप बोलो सर ये इतना अच्छा क्यों है, सर आप कैसे बोल सकते हो कि अच्छा है? बोल रहा हूँ मैं, सर ने आपको असाइनमेंट दिया है, 100 प्रोग्राम्स आपको दिया गया है,
तो आप अगर बाकी एडिटर यूज करोगे दूसरा पाइचार्म हो बेस कोड जो भी हो, आपको एक एक एडिटर में एक एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। आप सोचो कि एक एक एडिटर एक नोटपैड की तरह है, एक नोटपैड में एक प्रोग्राम दूसरा में दूसरा, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर सारा प्रोग्राम आप रख सकते। एग्जाम्पल मैं लिखा लेट से a = 10, b = 20, c = टू ए प्लस बी, प्रिंट सी, देख रहे हो क्या लिखा है प्रिंट सी, जैसे इंग्लिश लिखते हो, ये पहला प्रोग्राम है, आउटपुट आ रहा है देखो 30 लिखा मैंने रन किया, यहाँ पर रन बटन है लिखा है रन रन देखो रन लिखा x इक्वल टू 10, दूसरा प्रोग्राम y इक्वल टू 5, z इक्वल टू x माइनस y, देन प्रिंट z, क्या आया एक सेकेंड, ये कौन सा जेड है, स्मॉल जेड है, तो यहाँ पर लिखो स्मॉल जेड, नेम जेड इज, ओहो जेड माइनस हो गया, देखो आ गया, ये दूसरा प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्राम सेकंड प्रोग्राम थर्ड प्रोग्राम, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो ये अच्छा है कि नहीं पवन, समझ रहे हो अच्छा है। तो ये पहला प्रोग्राम, दूसरा जहां पर लिख रहे हो वही रन कर रहे हो, ठीक है, ये एडिशन है, ये सब्सट्रैक्शन है, तो आपको जिस तरह का प्रोग्राम लिखना लिख सकते हो, क्लियर। तो इसीलिए बोला कि ये बढ़िया जाए, बहुत ही मेरा तो ही फेवरेट है, ठीक है। तो हाँ क्या क्वेश्चन है, एक सेकंड, ये सब प्रोग्राम सब रखा गया है यहाँ पर, क्या क्वेश्चन है, हाँ बहुत इजी है, ठीक है। तो क्यों हम वो जगह यूज करेंगे जहां पर पहले प्रोग्राम लिखो उसको सेव करो, भाई नहीं चाहिए, इतना आसान तरीका है ना, ये आसान है। नेक्स्ट, तो थोड़ा प्रोग्रामिंग में घुसते हैं, एक टॉपिक है, क्योंकि प्रोग्राम लिखने से पहले, प्रोग्राम मतलब हम ये जो प्रोग्राम लिखे ये एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम मतलब इसे इंस्ट्रक्शन, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये ए इक्वल 10 एक इंस्ट्रक्शन है, बी इक्वल 20 इंस्ट्रक्शन है, सी इक्वल ए प्लस बी इंस्ट्रक्शन है, प्रिंट सी इंस्ट्रक्शन है, कितना इंस्ट्रक्शन है, चार इंस्ट्रक्शन, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज ए प्रोग्राम। और जब ये प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाएगा, 1000 लाइन का, 2000 लाइन का, 5000 लाइन का, 5000 लाइन का, तब ये सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, आप एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर बनाओगे तो हो सकता है ना, ऐसा बहुत सारा सॉफ्टवेयर, आप एक VLC प्लेयर बनाओगे, आप एक कैलकुलेटर बनाओगे, नहीं तो ये सारा सॉफ्टवेयर हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है, प्रोग्राम जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो सॉफ्टवेयर है, तो आप अभी बिगिनर हो तो छोटा छोटा प्रोग्राम लिखोगे, धीरे धीरे बड़ा प्रोग्राम करोगे। लेकिन जैसे आपने इंग्लिश जब पढ़ा था, पहले क्या पढ़ा था, अल्फाबेट, देन वर्ड, देन सेंटेंस, देन पैराग्राफ, नहीं, तब जाके अगर आप बोला जाएगा अच्छा एक काम कीजिए, एक बुक लिखिए, एक नोवेल लिखिए, एक पेपर में आर्टिकल लिखिए, लिख सकते हैं। तो उसी तरह से अगर आप, हमको पाइथन सीखने के लिए भी वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा, तो कुछ बेसिक चीज है, एक है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, प्रोग्रामिंग में वेरिएबल इज ए वेरी कॉमन वर्ड। वेरिएबल का मतलब होता है जो वेरी करता है, जो वेरी करता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, लिखा ए इक्वल टू 10, इसे वेरिएबल कौन है, जो लोग नहीं जानते हो फॉरगेट, जो लोग जानते हो पहले से कोई लैंग्वेज पढ़ा है तो बताओ ए इक्वल 10 का मतलब क्या है, इसे वेरिएबल कौन है, एनीवन, आदित्य, अरुण, भूदेव, विष्णु, देवाशीष, हिमांशु, लक्ष्मीप्रिया, बताओ, अरे इंटरेक्ट नंदा, बताओ, विनायक। देखिए कुछ लोगों ने रिप्लाई किया 10, कुछ लोगों ने रिप्लाई किया नंदिता, रिप्लाई कुछ लोगों ने रिप्लाई किया ए,
सम रिप्लाइड ए, सम रिप्लाइड टेन. सो आप दोनों का आंसर रॉन्ग है, दोनों का आंसर रॉन्ग है. तब बोलो सर आप तो ए और टेन ही लिखा है, तो कैसे हम दोनों रॉन्ग है? नहीं बताता हूं क्यों रॉन्ग. देखिए मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप बताना. ये ग्लास है, इस ग्लास के अंदर कुछ वाटर है. ग्लास के अंदर क्या है? ये ग्लास है, ये वाटर है. तो बताओ इनमें से वेरिएबल कौन है, ग्लास है कि वाटर है? बताओ इनमें से वेरिएबल कौन है, ग्लास है कि वाटर है? यस, क्या है? वाटर. ओके, वेरी गुड. देखिए आप सब लोग जो रिप्लाई कर रहे हैं वो रॉन्ग हो रहा है. ग्लास वाटर इज नॉट वेरिएबल, ग्लास इज वेरिएबल. मतलब जिसका कंटेंट चेंज होगा वही वेरिएबल है. यहां पर किसका कंटेंट चेंज हो सकता है? मैं ग्लास में रखा हूं वाटर, मैं बोला ग्लास कंटेंट इज वाटर, मैं वाटर डाल दूंगा वहां पर, मिल्क डालूंगा तो क्या बोलूंगा? ग्लास कंटेंट मिल्क. तो किसका कंटेंट चेंज हो रहा है? ग्लास का. तो ग्लास इज ए वेरिएबल, जिसका कंटेंट चेंज होगा वो वेरिएबल है. तो आपने जब ए इक्वल टेन लिखा, ये रहेगा कहां पर? जब आपने ए इक्वल टेन लिखा है तो वो कहां पर रहेगा? हाँ बताइए. कंप्यूटर के पास दो तरह का मेमोरी होता है, एक रैम होता है, एक हार्ड डिस्क होता है. ठीक है, एक रैम है, एक हार्ड डिस्क. आपने एक मूवी लाके कंप्यूटर में रखा, कहां रहा है? हार्ड डिस्क. आपने उस मूवी के ऊपर डबल क्लिक किया तो मूवी चला, आप देख रहे हो, कहां चल रहा है? वो रैम है. कंप्यूटर का खुद का मेमोरी रैम होता है. जैसे आप लोगों का मेमोरी होता है, आप लोग बुक से पढ़ते हो, तो क्या बुक आपका मेमोरी है? तो बुक इज लाइक हार्ड डिस्क, और आपका जो मेमोरी है वो क्या है ना? आपका ब्रेन. आपका ब्रेन जो है वही आपका मेमोरी है, और वो क्या है? टेम्पररी है. वो सब भूल जाता है, वो याद नहीं रख सकता. मैं बोलूंगा अच्छा लास्ट ईयर इस टाइम आप क्या कर रहे थे, याद है? नहीं, वो टेम्पररी है. लेकिन बुक पे जो चीज है वो क्या है? वो तो परमानेंट है. नहीं, वो उसी तरह से ये कंप्यूटर का रैम दिखने में कैसा है? हम बोलते हैं अगर एक कंप्यूटर का रैम फास्ट है, रैम ज्यादा है, तुम्हारा मोबाइल का रैम कितना है? 32 GB. हाँ ये बढ़िया है, एक नॉर्मल पर्सन बोलता है. लेकिन उसको मालूम नहीं होता इसका टेक्निकल क्या होता है, कैसे होता है. तो आप लोग सब बता सकते हो. तो रैम दिखने में ऐसा है, ये डायग्राम देख पा रहे हो, ये जो रैम है ये दिखने में ऐसा है, ये आपका रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी. आप बोलते हो ना सर मेरा रैम, मेरा 4 GB का रैम है, मतलब ज्यादा डाटा रह सकता है. नहीं, तो ये रैम का हर एक सेल है, इसे क्या बोलते हैं? सेल. और हर एक सेल का कैपेसिटी कितना पता है? मतलब कितना रख सकते हो? हर एक सेल का कैपेसिटी इक्वल टू 1 byte. 1 byte मतलब, 1 byte का मतलब होता है 8 bit. कितना? 8 bit. इसका मतलब है हर एक सेल में आप 8 bit डाटा रख सकते हैं. अगर सर बीट क्या है? बीट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट. क्या है? बाइनरी डिजिट. एक बाइनरी डिजिट आइदर क्या हो सकता है? 0 or 1. तो मेमोरी लोकेशन में क्या है ना? आइदर 0 or 1 है. हर एक सेल में कितना रह सकता है? 8 0 or 1. तो आपने जब लिखा, लेट से लिखा a इक्वल टू 5, a इक्वल टू क्या लिखा है ना? 5. तो 5 कहाँ रहेगा? ना मेमोरी में. कैसे रहेगा? 0 1 में रहेगा. तो लेट से फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कि 5 यहां पर है, इस लोकेशन में है, कैसे होगा? 0 1 में होगा. इसका नाम क्या है? ना a. ये जो मेमोरी लोकेशन है क्या यहां ये परमानेंटली रखेगा 5 को? आपने एक मोबाइल नंबर रखा है आपके मोबाइल फोन में, उसको डिलीट कर दिया,
उस जगह पे और कुछ रख सकते हो। हाँ तो मैं यहाँ पर 5 रखा है, मैं अगर यहाँ पर फिर से रखूंगा 10, तो 5 क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा, 10 रहेगा। मतलब इस मेमोरी लोकेशन का कंटेंट जो है वो चेंज हो रहा है। ओके, तो मेमोरी लोकेशन का कंटेंट जो है वो चेंज हो रहा है, तो जिसका कंटेंट चेंज होगा वो वेरिएबल है। तो वेरिएबल कौन है सर? यही मेमोरी लोकेशन, ये मेमोरी लोकेशन वेरिएबल है। तो आगे से जाकर अगर आपको कोई पूछेगा वेरिएबल कौन है, मेमोरी लोकेशन है। ये क्या है? ये उसका नाम है। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ना वेरिएबल इज ए मेमोरी लोकेशन विच कैन स्टोर सम वैल्यू, ये कुछ वैल्यू रख सकता है। ठीक है, तो ये मेमोरी का, अगर आप बोलो सर 4 GB मेरा मेमोरी है, 4 GB मेमोरी में कितना बड़ा डाटा रहेगा, कितना सेल होगा? तो देखिए, 1 जो बाइट होता है, बाइट इक्वल टू कितना होता है, 8 बिट। ठीक है, देन 1 KB के भी बोलते हैं उसको, इक्वल टू हाउ मच ना, 1024 बाइट। देन 1 MB मेगाबाइट इक्वल टू 1024 × 1024 बाइट, इतना सेल होता है। 1 GB, GB जो आप जानते हो, बोलते हो 4 GB RAM है, देन 1024 × 1024 × 1024, इतना बाइट, इतना मेमोरी है, इतना बाइट है, मतलब 1 GB मेमोरी में, रैम में इतना सेल होगा। ठीक है, तो ये होता है वेरिएबल। अंडरस्टूड? नेक्स्ट। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है ना आपका, देखिए मैं वैल्यू कैसे असाइन करूंगा, लिखो हाउ टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल। वेरिएबल में हम वैल्यू कैसे असाइन करेंगे, कैसे करेंगे? आपको पता है पाइथन क्या सपोर्ट करता है ना, डायनेमिक टाइपिंग, मतलब वेरिएबल क्रिएट करने के लिए डाटा टाइप नहीं चाहिए। मिलेगा a=5, मतलब जो मेमोरी लोकेशन में क्या है, 5 है, इसका नाम क्या है, इसका नाम a है। क्या इसका नाम है ना, a है। उस मेमोरी लोकेशन में क्या है ना, 5 है, उसका नाम क्या है ना सर, उसका नाम ए है। ठीक है, तो ये 5 लिखा आपने, तो 5 कहाँ रहेगा, ए में रहेगा। अब देखो मैं लिख रहा हूं प्रिंट ए, प्रिंट का काम होता है प्रिंट करेगा, ठीक है, ये आउटपुट को दिखाएगा कितना है, देख रहे हो आया, मिलेगा a=2.5, प्रिंट ए कितना है, 2.5। अंडरस्टूड? तो इस तरह से कर सकते हो। सपोज मैंने लिखा a=10, b=20, c=30, देन लिखा मैंने प्रिंट करो किसको, a, b, c, आया नहीं? ए कितना है, 10 है, बी कितना है, 20 है, सी कितना है, 30 है, तो आ गया 10, 20, 30 आ गया। हाँ आ गया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है, अगर हम चाहते हो कि सर हम चाहते हैं कि इसको एक लाइन में ही लिखेंगे, किसको, ये जो a10 b20 c30 को हम एक लाइन में लिखेंगे, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। कैसे? मैं लिखा a, b, c, ये पाइथन में ऐसे होता है, इक्वल टू 10, 20, 30, जो ऊपर वाला प्रोग्राम जो लिखा है ये भाई सेम है, लिखा प्रिंट a, b, c, देखो आ गया। ठीक है, तो ये क्या है ना, आपने ये जो 3 लाइन लिखा था इसको इसको आपने एक लाइन में कर दिया, इज डन, इतना आसान है। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा, लेट से मैं बोला, क्वेश्चन बोला, राइट ए प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स,
दो नंबर ऐड कीजिए, एक प्रोग्राम लिखिए, क्या करना है, एक दो नंबर को मुझे ऐड करना है। तो मैंने कहा सर a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, c इक्वल टू a प्लस b, प्रिंट c आ गया। ये छोटा प्रोग्राम है नहीं। अच्छा मुझे बताइए, इस प्रोग्राम को मैं जितना बार भी रन करूंगा आउटपुट क्या आएगा, क्या आएगा, 30, क्योंकि पहले से आपने बता दिया है a 10 है b 20 है। आप जब एटीएम जाते हो, एटीएम का एटीएम मशीन में एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हो, तो उस टाइम में आपको क्या पूछता है, एंटर द पिन नंबर। तब पिन नंबर कहां से देते हो बताइए, आप पिन नंबर कहां देते हो, कीबोर्ड से नहीं। तो वो हम बेसा जाते हैं कि हमें पूछे कि एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द सेकेंड नंबर, ठीक है। तो ये काम करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अगर हम इस तरह का काम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे ना, हमें एक फंक्शन है उसका नाम है इनपुट, हमें कोड को इस तरह लिखना पड़ेगा, कैसे ना, a इक्वल टू लिखा इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, देख रहे हो, मैं इसको कॉपी कर लिया, देखा b इक्वल टू इनपुट एंटर क्या लिखा सेकेंड नंबर, तो ये बेहतर है ना। अब मैं चाहता हूं c इक्वल टू a प्लस b, देन प्रिंट c, रन करेंगे, देखो मांग रहा है, मांग रहा है, मैं दिया एंटर फर्स्ट नंबर 10, एंटर सेकेंड नंबर, जैसे एटीएम में पिन मांगता है वैसा मांग रहा है, मैं दिया 20, तो क्या होगा बताओ, 10 दिया 20 दिया, हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आउटपुट क्या आएगा 30, बट अनफॉर्चुनेटली आउटपुट आएगा 10 20। तो आप बोले सर ऐसा क्यों हुआ, क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है मैं लिखता है यहां पर, देखो हेलो प्लस मैं लिखा मेरा नाम लिखा रंजन, तो क्या आउटपुट आएगा, हेलो रंजन, यस यस मैम, क्या आया हेलो रंजन, मतलब दोनों को ज्वाइन किया। उसी तरह से मैं लिखा 10 क्या लिखा प्लस 20 क्या आया 10 20, ये कैरेक्टर के हिसाब से ले रहा है, स्ट्रिंग के हिसाब से, स्ट्रिंग ये 10 नहीं है, ये सोच रहा है कि 10 दो कैरेक्टर है, 20 दो कैरेक्टर है, ज्वाइन कर लिया। हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए 10 प्लस 20, ठीक है, ये इंटीजर है। तो ये काम करने के लिए हम क्या करेंगे ना, ये जो स्ट्रिंग ले रहा है इसका आगे लगा दो क्या, सिंपली इंट लगा दो, इसको कन्वर्ट कर दो इंटीजर में, यहां पर भी लगा दो इंट, देखो ये भी कन्वर्ट हो गया, रन करो। अब देखो फर्स्ट नंबर 10, सेकेंड नंबर 20, आ गया 30। तो ये प्रोग्राम बेहतर है, ये जो प्रोग्राम है किसके लिए है, दो इंटीजर ऐड करने के लिए है, क्या है, दो इंटीजर ऐड करने के लिए है। मैं बोलूंगा अच्छा एक काम कीजिए, दो फ्लोट ऐड कीजिए, फ्लोट, फ्लोट मतलब जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है 2.5 इस तरह का। तो ये काम करने के लिए आप क्या करोगे ना, जो इंट लिखा है उसको हटा के लिखोगे क्या ना फ्लोट, मतलब तो आप जो भी इनपुट लोगे वो उसको कन्वर्ट करेगा किस में, फ्लोट में, रन करते हैं, 2.5, 4.3 क्या आ गया 6.8। तो आपको मांग रहा है, वैल्यू मांग रहा है, आप दे रहे हो उस हिसाब से वो कर रहा है। सपोज मैंने एक क्वेश्चन दिया, क्या क्वेश्चन दिया है कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ ए सर्कल, ये एक पाइथन का प्रोग्राम लिखिए जो एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करेगा, कैसे होगा एरिया ऑफ सर्कल, बताइए एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, ये सुनो, तो पाई आर स्क्वायर कैसे होगा, कैसे लिखेंगे पाई, एरिया पाने के लिए क्या चाहिए आपको, रेडियस चाहिए, तो लिखा आर इक्वल टू, मुझे रेडियस चाहिए, लिखा रेडियस फ्लोट हो सकता है, हाँ 3.5 हो सकता है या 4.5 हो सकता है, फ्लोट इनपुट एंटर रेडियस दिया एरिया
एरिया इक्वल्स क्या लिखेंगे ना, 3.14 इंटू आर इंटू आर। अब पाई सिंबल नहीं होता है, मैथमेटिक्स से पाई सिंबल है, यहां पर लिखना पड़ेगा 3.14। अब प्रिंट करो एरिया, रन करो उसको, यहां पर रन बटन है, रन मां एंटर द रेडियस इज 10। तो कैलकुलेट हो गया, आप फिर से रन करोगे एंटर द रेडियस इज 5 आ गया। तो जो रेडियस दोगे वो आपको निकाल के देगा रेडियस का वैल्यू, समझ रहे हो। तो इस तरह से आप बहुत सारा प्रोग्राम कर सकते हैं, और मैं आपको कुछ असाइनमेंट दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करना। क्या वो असाइनमेंट से देखो, मैं कुछ असाइनमेंट सबको दे रहा हूं, जस्ट अ मिनट। ये सब असाइनमेंट से आप लोग ट्राई कर सकते हो। देखो, देख पा रहे हो असाइनमेंट्स, ये सब असाइनमेंट्स, ठीक है। एरिया सर्कल करना है, शॉपिंग करना है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करना है, नहीं देखिए वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आप लोगों ने कभी किया है? लाइन ड्रॉ किया है, लाइन लाइन वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी का कभी लाइन ड्रॉ करके देखा है? हम दिखाएंगे आप, फिर इसके बाद कुछ प्रोजेक्ट्स देंगे करने के लिए, दिखाएंगे क्या क्या आप करोगे, कर सकते हो आप लोग भी करोगे कोर्स के साथ। फिर आई विल टेल यू द सिलेबस, क्या क्या सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन है, मैं इसको कर रहा हूँ। तो अब सर सिंपली एम इक्वल टू लिया मैंने 3, सर एक्स एक्स इक्वल टू लिया 10, देन सी इक्वल टू लिया 5, सर वाई इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस सी। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रिंट वाई ओके। हाँ लेकिन मुझे लाइन ड्रॉ करना है, मतलब एक्स में एक वैल्यू नहीं है, बहुत सारा वैल्यू होगा। वाई में वाई कैलकुलेट होगा कहां से, एम क्या है, स्लोप है, सी क्या है, इंटरसेप्ट है, इससे। तो इस काम के लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अब सर इसको जान ना पाओ, तो देखो मैं लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, हमें तो पढ़ेंगे बाद में। इंपोर्ट नंपाई एज एन एक पावरफुल अरे है, इसमें लिखा एक्स इक्वल टू डॉट अरे, इसे क्या क्या पॉइंट है मैं दिया, लेट्स से 2, 3, 4, 5, 6, 8, 5, 9, 6 ये सब पॉइंट है, ठीक है। और वाई क्या है ना, वाई क्या है लिखेंगे ना, एम एम कितना था यहाँ पर हमारा, हमने एम दिया था कितना, एम दिया था 3 स्लोप। सी कितना था ना, सी था सर 5, ठीक है इतना था। तो लिखो वाई इक्वल टू एम इंटू एक्स, एक्स मतलब कैपिटल एक्स प्लस सी, ठीक है। देखो अब बताओ एक्स क्या है, देखो एक्स क्या है, ये एक्स है, देखो एक्स ये एक्स है, वाई कितना है, ये वाई है, देख रहे हो। एक्स 2 होगा तो वाई कितना होगा, 11, कैसे ना, 2 × 3 6 प्लस 5 11। तो हम चाहते हैं इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करने के लिए, दिखाने के लिए लाइन। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सब सीखेंगे बाद में। इंपोर्ट ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए है, पीएलटी डॉट प्लॉट एक्स कॉमा वाई, देखो ये वो लाइन है। एक्स 2 होगा तो ये 11 है, ठीक है। मैं इस पॉइंट को भी दिखा रहा हूं, पीएलटी डॉट स्कैटर देखो वो सब पॉइंट्स है, 2, 11, 3 के लिए कितना है 14, 4 के लिए कितना होगा 17, समझ रहे हो। तो इस तरह का है ये, तो आपने सीखा कि लाइन कैसे ड्रॉ होता है, इस हम बाद में जो रेगुलर क्लास में सीखेंगे सब, ठीक। कुछ बेसिक से प्रोग्राम मैंने आप लोगों को दिया है, आप लोग कर सकते हो उसे।
इसको ये सब प्रोग्राम आप कर सकते हो, मैं आपको चैट बॉक्स में दे रहा हूँ। जो लोग रेगुलर क्लास ज्वाइन करोगे, हम इसको कुछ स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। ये तो मैंने बेसिकली ऐसे ही पढ़ा दिया, बता दिया कि क्या क्या है क्या नहीं है। तो जो रेगुलर क्लास ज्वाइन करोगे, हम पूरा डिटेल्स में स्टार्टिंग से सारा चीज पढ़ेंगे। ठीक है, मैं असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ, ट्राई करना अगर होगा तो। ठीक है, इसका रिकॉर्डिंग भी सबको दिया जाएगा, इस जो भी हो रहा है आज का क्लास का, सबका, हर एक क्लास का रिकॉर्डिंग दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो बेसिक। आपने कभी एक प्रोग्राम लिखा है जिससे ओडिया लेटर आ जाएगा? लिखा है क्या? ओडिया लेटर आएगा आउटपुट में। ये कौन सा लेटर है बताओ? क। जो ओडिया स्टूडेंट है ये क्या है? अ है। नहीं आया? और देखा देखा था कभी? आजकल आप ओडिया में व्हाट्सएप कर सकते हो? नहीं, तो ये देख रहे हो, ये ओडिया लेटर है। ओडिया हिंदी तेलुगु तमिल सब कर सकते हो। ये क्या है? ये चाइनीज है। ठीक है, तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट है सीखने के लिए। तो ये तो एक बेसिक सा जो क्लास था, आपने देखा क्या क्या है। तो ऐसे बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे हम गजल पढ़ेंगे। तो मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट सिखा रहा हूँ जो कि आप लोग भी करोगे। इंटर्नशिप में मैंने बताया, इंटर्नशिप में दो प्रोजेक्ट है और नॉर्मल जो कोर्स है उसके साथ एक प्रोजेक्ट है सबका। और प्रोजेक्ट देखिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। ठीक है, पढ़ना एक बात है और प्रोजेक्ट करना एक बात है। पढ़ के प्रोजेक्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि प्रोजेक्ट करोगे तभी आपको पता चलेगा कि कैसे इम्प्लीमेंट होता है ये सब चीज। एक सेकेंड, मैं शेयर कर रहा हूँ। वन सेकेंड, तो आ गया। हाँ, ये एक पाइथन का प्रोग्राम है, देख रहे हो? ये एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट है। देखो, ये एक प्रोजेक्ट है, इसे मैं रन कर रहा हूँ। रन किया, देखो एक सेकेंड। देखो, मैं इसको अभी रन कर रहा हूं, देख पा रहे हो आउटपुट? ये आउटपुट है, एक सेकेंड दिखा रहा हूं। देखा, ये आउटपुट है। क्या लिखा है? आजकल इसी तरह का प्रोजेक्ट का डिमांड है, कोरोना प्रिडिक्शन। ये क्या है? डायबिटीज प्रिडिक्शन। इस तरह का प्रोजेक्ट आजकल का डिमांडेड एरिया है, डायबिटीज प्रिडिक्शन। मतलब एक आदमी को डायबिटीज होगा कि नहीं होगा, तो ये प्रोजेक्ट उसको बता देगा। ठीक है, तो आप लोग भी इस तरह का प्रोजेक्ट करोगे हमारे गाइडेंस में। दे रहा हूं, प्रेग्नेंट, कितना बार प्रेग्नेंट है? जीरो। एक लेडीज के लिए किया गया है। ग्लूकोज कितना है? 143 है। स्किन ब्लड प्रेशर कितना है? ना 78 है। स्किन थिकनेस 45 है। इंसुलिन कितना है? ना 124 है। बॉडी मास इंडेक्स एक आदमी का कितना है? 34 है। पीडिग्री कितना है? ना 0.9 है। पीडिग्री मतलब पेरेंट को, अगर पीडिग्री मैंने दिया है 0.6। पेरेंट को डायबिटीज है तो चाइल्ड को होगा कि नहीं होगा, ये एक फैक्टर है। एज, एज क्या है? एज लेट से 45 प्रेडिक्ट। यू हैव नो डायबिटीज। ये प्रोजेक्ट के लिए हमने 700 768 लोगों का डाटा कलेक्ट करके किया है और आपको भी सिखाएंगे। और एक प्रोजेक्ट दिखाते हैं। आप लोग जानते हो जीमेल कैसे प्रेडिक्ट करता है? आप लोग जीमेल यूज करते हो? जीमेल प्रेडिक्ट कैसे करता है कि स्पाम है कि नहीं है? अगर स्पाम आता है तो जीमेल क्या करता है? प्रेडिक्ट कर लेते हैं, हाँ ये स्पाम है, ये स्पाम नहीं है। तो जीमेल कैसे करता है? तो ये प्रोजेक्ट उसी तरह का एक काम है। देखो,
इस प्रोजेक्ट में हमने 5,000 से भी ज्यादा मैसेज कलेक्ट किया है। उनमें से कुछ मैसेज स्पैम था और कुछ मैसेज नहीं था। उन मैसेज कलेक्ट करके प्रोजेक्ट बनाया गया है। मैं लिखा यहाँ पर लेट से, हेलो रंजन, क्या स्पैम है? नहीं, हेलो रंजन क्या स्पैम है? तो ये कैसे बता रहा है? मैंने इसको इंटेलिजेंट बना दिया है, सिखा दिया है मैंने, जैसे कि इंसान को सिखाता है, मैंने सिखा दिया है। ये बोला नहीं नहीं स्पैम नहीं है। मैं लिखा हेलो रंजन, यू वन 1,000, जब ये सब आता है, पैसा मिल गया, ये मिल गया, तो नॉर्मली ये स्पैम होता है। नहीं, क्या लिखा? दिस मैसेज इज ए स्पैम। तो ये जो ये भी एक प्रोजेक्ट पाइथन में किया गया है, ठीक है? तो जीमेल जो करता है, कैसे करता है, ये कॉन्सेप्ट यूज करता है। उसका कोडिंग किसे लिखा गया है पाइथन में? देखो, ये एक और एक टॉपिक है, ये एक प्रेडिक्ट प्रोजेक्ट है, हार्ट डिजीज प्रेडिक्शन। एक आदमी को हार्ट डिजीज होगा कि नहीं होगा, एक आदमी को हार्ट डिजीज होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए हमने बहुत सारा पैरामीटर लिया है कि वो स्मोकिंग करता है कि नहीं करता है, उसका एज कितना है, सिगरेट कितना रहता है, दिन में कितना लगता है, उसको डायबिटीज है कि नहीं है, पहले से हार्ट स्ट्रोक हुआ था क्या, और फिर बॉडी मास इंडेक्स क्या है, इस तरह मेल 1 दिया मैंने, सिगरेट पर डे कितना है, ना 2 लेता है, हार्ट स्ट्रोक पहले से हुआ था नहीं हुआ था, डायबिटीज है, डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर कितना है, ना 123 है, हार्ट रेट कितना है, हार्ट रेट डेट से है 89 है, एज कितना है उसके लोगों का, आदमी का सर 50 साल है, बीपी मेडिसिन ब्लड प्रेशर मेडिसिन लेता है नहीं नहीं लेता है, हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल कितना है उसका, कोलेस्ट्रॉल उसका लेट से 234 है, बॉडी मास इंडेक्स कितना है 37 है, ग्लूकोज कितना है लेट से 235 है, बताओ उसको हार्ट डिजीज होगा कि नहीं होगा, क्या लिख रहा है, यू डोंट हैव हार्ट प्रॉब्लम। आजकल हार्ट डिजीज में बहुत लोग मर रहे हैं। तो इस तरह का जो प्रोजेक्ट है, रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट, एक आदमी मास्क पहना है कि नहीं पहना है, एक आदमी हेलमेट पहना है कि नहीं पहना है, कोरोना होगा कि नहीं होगा, थर्ड लहर में कितना लोगों को अफेक्ट होंगे, 40 साल से ज्यादा लोगों को कोरोना ज्यादा हो रहा है कि 40 साल से लेस लोगों को, कौन सा ग्रुप ब्लड ग्रुप ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, ये सारा हम कर सकते हैं, ठीक है? तो ये तो कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में आइडिया मैंने दिया। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि आप लोगों का जो सिलेबस रहेगा वो क्या कवर होगा। देखिए, ये हमारा ऑफिशियल साइट है, आप लोगों के पास जो लिंक गया होगा उस लिंक में भी ऑफिशियल साइट है हमारा, pythonsoft.org। तो pythonsoft.org हमारा कंपनी का ऑफिशियल साइट है, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा सिलेबस है, आप लोग देख सकते हो। तो उससे पहले मैं आपको और एक चीज बता देता हूं, और एक इम्पोर्टेंट चीज है, क्या है ना, हम लोग जिस तरह का क्वेश्चन कैंपस में आता है, आप लोग देखा होगा, देखो उस तरह का क्वेश्चन का भी हम प्रिपेयर कराते हैं पढ़ाने के साथ साथ। देखिए ये क्वेश्चन है, देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन है, ये टीसीएस में आया था इस बार 2021, लेटर चेंज एक क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों के लिए आएगा कैंपस में। बोलो, इनपुट रहेगा हेलो, एक स्ट्रिंग दिया into 3, तो आउटपुट क्या आएगा, ना इस तरह आएगा। अगर इनपुट आप दे रहे हो फन टाइम्स, तो आउटपुट इस तरह आएगा, देख रहे हो? तो इसके लिए आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। बोलो टेस्ट कैसे करेंगे, ना वो लोग यही दो इनपुट देंगे, अगर उनको ये दो आउटपुट मिलेगा तो आपका प्रोग्राम करेक्ट है। नेक्स्ट, ये इसका सलूशन है, ठीक है, पाइथन में क्या गया है, उसके लिए टाइम मिलता है अराउंड 30 मिनट्स करने के लिए, इतना सा चीज लिखने के लिए 30 मिनट्स, लेकिन सीखना पड़ेगा। क्वेश्चन 2, ये क्या आया था कि अगर आप एक स्ट्रिंग एंटर करते हैं स्कूल, आपको सर्च करना है कैरेक्टर ओ, ओ इसमें है, हाँ है, लेकिन इस स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर लास्ट कैरेक्टर सेम है क्या?
नहीं तो रिटर्न करेगा आउटपुट आएगा जीरो। सेकेंड केस में ये स्ट्रिंग नून है, स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर लास्ट कैरेक्टर सेम है, हाँ क्या है एन एन, तो सर्च करो ओ को, ओ है कितना बार है, दो बार, मतलब अगर कोई स्कूल एंटर करेगा तो आउटपुट आएगा जीरो, ओ कैरेक्टर देगा ओ तो आउटपुट आएगा जीरो, कोई एंटर करे नून और कैरेक्टर देगा ओ आंसर आएगा क्या ना दो बार है, लेकिन अगर कोई एंटर करेगा लेट से स्ट्रिंग दिया है एच एक कैरेक्टर, कैरेक्टर दिया पी है क्या, एच में पी है क्या, नहीं तो आंसर है माइनस वन, ये इसका सोल्यूशन है। तो इस तरह का आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन भी कर पाएंगे, किस तरह क्वेश्चन आता है क्या नहीं आता है, ऑल द थिंग्स विल प्रिपेयर। ठीक है अब देखो तो थोड़ा हम जाते हैं, थोड़ा हम सिलेबस में जाते हैं तो आप लोग जान पाओगे सिलेबस क्या है। देखिए ये हमारा ऑफिशियल साइट है pythonsoft.org, नीचे आते हैं यहाँ पर पाइथन का आपका सिलेबस है, ये वाला पाइथन का है, ये सब डाटा साइंस मशीन लर्निंग का सिलेबस है, डाटा साइंस मशीन लर्निंग भी कभी बैच चल रहा है, इनफैक्ट कल ही स्टार्ट हुआ है, आज ही कल स्टार्ट हुआ था डाटा साइंस का बैच बैच, ये पाइथन का सिलेबस है। तो मेरा जो मेन है कि हम हमारा कोर्स पूरा प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट ओरिएंटेड है, बेसिक्स पढ़ेंगे, इंडेंटेशन, डाटा टाइप्स, ऑल दिस थिंग्स, ऑपरेटर पढ़ेंगे, कंट्रोल फ्लो जो चाहिए, फंक्शन पढ़ेंगे, मॉड्यूल, देन पैकेज, न्यूमेरिक टाइप पढ़ेंगे, स्ट्रिंग पढ़ेंगे, लिस्ट पढ़ेंगे क्या है, टपल, सेट, डिक्शनरी, फाइल हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक प्रोग्राम को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, देन मल्टी थ्रेडिंग, एक प्रोग्राम में कैसे एक प्रोग्राम का मल्टीपल पार्ट को एट अ टाइम कैसे रन करेंगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे कैसे बनाएंगे, डाटाबेस, डाटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, फ्रंट एंड बैक एंड, नेटवर्किंग, चैटिंग कैसे करते हैं वो वाला प्रोग्राम कैसे, क्लाइंट सर्वर, क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन, देन बेसिक्स ऑफ मशीन लर्निंग बताएंगे, नंपाई, पांडा, साइकिटलर ये सब बताएंगे, देन बेसिक्स ऑफ वेब बेस्ड वेबसाइट कैसे बनाते हैं, बेसिक्स फ्लास्क और जेंगो में कुछ इसके बारे में बेसिक्स बताएंगे, ठीक है, देन प्रोजेक्ट आप लोग प्रोजेक्ट करोगे, ठीक है, तो पढ़ना और प्रोजेक्ट करना दिस इंपोर्टेंट, पढ़ा प्रोजेक्ट नहीं किया दैट इज जीरो वैल्यू नहीं, आपने इंग्लिश पढ़ लिया है लेकिन आप यू आर नॉट एबल टू राइट, लेट्स से आपने कंपनी में रिपोर्टर के जॉइन किया, रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, रिपोर्टर नहीं लिख सकते, आप एक पोएट बन गए, इंग्लिश पढ़ने का कोई पोएट बनेगा, कोई न्यूज पेपर में न्यूज लिखेगा, कोई स्टोरी लिखेगा, कोई नोबेल लिखेगा, सबका एप्लीकेशन डिफरेंट है ना, तो उसी तरह से पाइथन पढ़ने के बाद आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, ये 2 महीने का कोर्स है, 2 मंथ, ठीक है, और प्रोजेक्ट के लिए जितना टाइम लगेगा, ठीक है, 2 मंथ का कोर्स है और प्रोजेक्ट के लिए जितना टाइम लगेगा करना पड़ेगा, ठीक है, और मैंने बड़ा पता है कि इंटर्नशिप के लिए 2 प्रोजेक्ट है, इंटर्नशिप के लिए 2 प्रोजेक्ट और नॉर्मल कोर्स के लिए 1 ही प्रोजेक्ट है, ठीक है, एंड उसको हम पूरा गाइड करेंगे, लेकिन आप लोगों को करना पड़ेगा, करने से आप सीखोगे, देखिए नॉलेज इज इम्पोर्टेंट, मार्क वार का कोई फर्क नहीं पड़ता है, वीकली 4 डेज क्लास होगा, वीकली जो क्लास होगा वो 4 डेज होगा, वो क्लास का टाइमिंग क्या है ना, ट्यूसडे होगा देन थर्सडे होगा देन फ्राइडे होगा, सॉरी सैटरडे होगा देन संडे होगा, तो इसी सैटरडे बैच स्टार्ट होगा क्योंकि बाकी सब स्लॉट फिल है, करंटली 3 पाइथन बैच और 1 डाटा साइंस के पास चल रहा है, तो 1 स्लॉट खाली है, ठीक है, द टाइम विल बी लाइक 7:30 PM टू 9 PM, ये इवनिंग स्लॉट का है, और हम एक प्लान कर रहे हैं कि मॉर्निंग का स्लॉट करने के लिए, मॉर्निंग स्लॉट, एक इवनिंग स्लॉट, ये वाला इवनिंग है, ठीक है, इवनिंग स्लॉट का क्लास होगा, कोर्स कंप्लीशन
आफ्टर कोर्स कंप्लीशन यू विल गेट ए सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेशन कोर्स, ठीक है। इधर आप लोग इंटर्नशिप करोगे तो इंटर्नशिप कर लोगे, इस कर लोगे, ठीक है। बट देखिए स्टूडेंट्स, आज के लिए पाइथन बहुत ही डिमांडेड एरिया है, तो अगर एक ही पढ़ते हो, इसमें स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, देन पाइथन पढ़ोगे, तो मेरा एडवाइस ये रहेगा पाइथन के बाद डाटा साइंस, ये अभी पूरा मार्केट में चल रहा है, ठीक है। आपको दूसरा स्टूडेंट में डिफरेंट होना पड़ेगा, और मेरे पास आपको देने के लिए क्या है ना, मैं आपको सिखाऊंगा अच्छे से, और मेरा जो हमारा जो स्ट्रेंथ है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का मेजर है प्रोजेक्ट, हम आपको प्रोजेक्ट में स्ट्रॉन्ग करवाते हैं, कोर्स में करवाएंगे, कैंपस के लिए प्रिपेयर करेंगे, प्रोजेक्ट में करवा देंगे। अब जहां जाओ बोलो हमने प्रोजेक्ट किया है, आप कोई बोलेगा कितना 90% है, 90% से कोई बात नहीं होता है, मार्क्स से कोई मतलब नहीं होता है। दो स्टूडेंट है इंटरव्यू देने गए, एक स्टूडेंट को पूछा गया क्या है सर मेरा 90% है, एक बोला कि मेरा सर 70% है, जो 90% रखा है कोई प्रोजेक्ट नहीं किया है, पढ़ा है, जो 70% रखा है वो बोला मैं सर बीटेक में, मैं जो एमसीए में जिसमें मैं 4 प्रोजेक्ट किया हूँ सर, ये मेरा प्रोजेक्ट है, आप पूछ सकते हैं। तो कंपनी को क्या चाहिए, मार्क्स, मार्क लेके कंपनी क्या करेगा। जो स्टूडेंट प्रोजेक्ट ओरिएंटेड है, प्रोजेक्ट किया है, उसका वैल्यू रहेगा, ओके। मैं एडवांस जॉब नहीं पढ़ा था, एडवांस जॉब हमारे दूसरे टीचर है, ठीक है। इस सचिन मिंदा आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो पर्सनली, आई विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स, ओके सचिन मिंदा। तो वेबसाइट में हमारा अवेलेबल है ऑल दिस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कोर्स फी और लॉट्स ऑफ ऑल दिस थिंग्स अवेलेबल, www. अगर आपके पास जो लिंक गया है वहां पर भी है pythonsoft.org, ये हमारा साइट है pythonsoft.org। अगर जो लिंक गया है ना क्लास अटेंड करने के लिए, वहां नीचे लिखा है, क्लिक कर लेना आ जाएगा, ओके। हाँ तो सैटरडे से क्लास स्टार्ट हो रहा है, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो प्लीज बाय टुमारो आप लोग प्लीज रजिस्टर एंड एडमिशन, मेक एडमिशन फॉर दिस कोर्स, क्लियर। सो आई होप कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया है, यू हैव एंजॉयड, तो थैंक कि स्टूडेंट लोगों का, आप लोगों का दिन भर भी काम था और आप इतना पेशेंस देके सुने, दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग फॉर मी। तो फाइनली आई विल गिव थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, तो आप सब बहुत लोग हो, सबको तो इंडिविजुअल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इंडिविजुअल सबको थैंक्स दे रहा हूँ कि आप लोग ने एक क्लास जो डेमोस्ट्रेशन अटेंड किया और आप लोगों ने मुझे साथ इंटरेक्शन किया, थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। देखिए सैटरडे जो होगा वो इवनिंग में होगा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज कल यू जस्ट, अगर आप कोर्स करना चाहते हो प्लीज, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी है, प्लीज मैं एडमिशन कर लो इसके, इसमें देन यू कैन डू इट, ओके। थैंक यू ऑल एंड गुड नाइट, wish you all the best, see you in the regular class, okay, good night, thank you, thank you, thank you, thank you.